रिसेंटली मैंने इस चैनल पर एक पोल क्रिएट की थी जिसमें आप में से काफी सारे लोगों ने स्लेंडर मैन को चूज किया था, विच सिंपली मीन्स कि मेरे लिए एक और न्यू वीडियो का आइडिया। तो जब तक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होल्ड पर है, चलो एक न्यू इंटरेस्टिंग और स्कैरी मॉन्स्टर को जानते हैं। ये है स्लेंडर मैन। शायद आप में से ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हो, तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि स्लेंडर मैन क्या है, वो कैसे किसी को हार्म करता है, स्लेंडर मैन की ओरिजिन क्या है, रियल लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसे सब लोग इस पर बिलीव करने लगे, और क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करते भी हैं? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। आप में से जो भी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की वीडियो देखना पसंद करते हो, आई नो ये वीडियो शायद आपको खास ना लगे और आप अभी के अभी वीडियो को छोड़कर भाग जाओ, पर ऐसे में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दोगे, क्योंकि स्लेंडर मैन ज़ॉम्बीज़ जितना तो पुराना नहीं है, पर इसने काफी शॉर्ट टाइम में जितनी पॉपुलैरिटी गेन की है वो वाकई में काबिले तारीफ है, जिस वजह से आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू से शुरू करते हैं। स्लेंडर मैन की सबसे पहली एविडेंस और इमेज हमें 2009 में मिली थी, जब एरिक नर्सन नाम के एक फोटोशॉप आर्टिस्ट ने एक नॉर्मल फोटो की समथिंग ऑफुल वेबसाइट के लिए एडिट करके पब्लिश करा था। समथिंग ऑफुल फोरम पर एक तरह की कंपटीशन चल रही थी जहां सभी को कुछ डिस्टर्बिंग और पैरानॉर्मल इमेज बनानी थी। एरिक भी इसी फोरम में चल रहे कंपटीशन का पार्ट थे, जहां उन्होंने इस इमेज का इस्तेमाल करके इस तरह की डिस्टर्बिंग वाइब देने वाली इमेज बनाई, और जैसे कि ये इमेज देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है तो एक ह्यूज ऑडियंस इसे सच मानने लगी। पर सोचने वाली बात ये है कि जब ये सिर्फ एडिटिंग और फिक्शनल थी, तो कैसे किसी लड़की ने ऐसा कहा कि उसने स्लेंडर मैन को खुश करने के लिए किसी को जान से मारने की कोशिश करी थी। खैर ये हम आगे डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले हम ये जानते कि स्लेंडर मैन नाम कैसे पड़ा और स्लेंडर का मतलब क्या होता है। तो देखो, स्लेंडर का सीधा मतलब है पतला, दुबला या कमजोर आदमी, जो इस मॉन्स्टर के अपीयरेंस की वजह से रखा गया था। इस मिस्टीरियस मॉन्स्टर का आंख, नाक, मुंह, कान कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि उसका चेहरा गायब होता है, जिस वजह से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये हमारी ही निगेटिव पर्सनैलिटी है। खैर स्लेंडर मैन के पास भी ह्यूमंस की तरह दो पैर होते हैं, पर इनके पीठ पर बड़े बड़े टेंटिकल्स निकले होते हैं, जिससे ये किसी को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, मतलब कि उनको पोजेस कर लेते हैं। खैर पोजीशन पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में स्लेंडर लिख देना, पर दैट इज समथिंग वी शुड एक्नॉलेज कि कोई किसी को पोजेस कैसे कर सकता है। और अब तक जो इंटरनेट पर मौजूद लोग स्लेंडर मैन को मजाक की तरह ले रहे थे, अचानक से ऐसी चीज होती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल 2014 में एक बहुत वियर्ड केस सुनने को मिलती है, जहां दो बच्चे मिलकर दूसरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। ये बात है 31 मई 2014 की, जब 12-12 साल की छोटी बच्चियां एनिसा वियर और मॉर्गन गीजर ने पेटन लूटनर पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 19 बार, हाँ सही सुना, 19 बार चाकू से हमला कर देती है। क्यों, बिलीव नहीं होता ना, पर ये बात बिल्कुल सच है। ये बच्चियां बताती हैं कि इन्होंने नुका छुपी खेलने के बहाने पेटन को जंगल में बुला लिया और फिर दोनों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और जब उनसे लोकल पुलिस ने इसकी वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने स्लेंडर मैन को खुश करने के लिए करा। नाउ आई वंडर कि 12 साल के बच्चे को इतना दिमाग नहीं हो कि वो अपने पड़ोसी आंटी के शादी में पहले जलेबी खाए या पूरी, तो फिर इन बच्चियों के दिमाग में मर्डर अटेम्प्ट करने का आइडिया कैसे आ गया। खैर विदाउट एनी डाउट इट रियली फ्रीक्ड मी आउट, और मैं इसके बारे में और पढ़ा तो मुझे पता चला कि इतने भयानक हमले के बावजूद और घंटों की डॉक्टर्स के मशक्कत की वजह से पेटन फाइनली बच गई और इन बच्चियों को जुवेनाइल होने के कारण मेंटल असाइलम भेज दिया गया। इस घटना के बाद कई सारे लोग स्लेंडर मैन पर भरोसा करने लगे, और जैसा ये बात स्लेंडर मैन के बारे में फैलती है कि ये लोगों के दिमाग को टेक ओवर करके उनसे किसी भी तरह का काम और अपनी या किसी की जान भी ले सकता है, ये इस केस में प्रूफ भी होती है। इन सब कारणों से ये अर्बन लेजेंड बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, और तो और इस पर फिल्म भी बन चुकी है जो काफी लोगों को पसंद आई है। अब जहाँ तक बात है स्लेंडर मैन के सच होने की, तो देखो पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि घोस्ट वगैरह तो एग्जिस्ट करते हैं, पर स्लेंडर मैन जैसा कुछ होना आई गेस पॉसिबल नहीं है, पर कई सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं, विच इज क्वाइट शॉकिंग। अब देखो मैंने तो स्लेंडर मैन को पर्सनली देखा नहीं है, पर अगर तुम लोगों को उन वीडियोस को देखना है जिसमें स्लेंडर मैन को वाकई में कैमरा में रिकॉर्ड किया जा चुका है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना, और अगर तुम्हें सिम्पसंस के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाले प्रेडिक्शन को देखना है तो राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।